पहले स्थान पर न्यायिक ना और का बनता है। ये निकाय अनेक होता है, दृष्टि का तो संबल होता है, लेकिन दृष्टांत में दृष्ट ऐसे लिख के ये दृष्टांत ऐसे होगा, या फिर उल्टा लिख दो तो ऐसे दृष्टांत, ये आधा टा बनता है। अगर पूरा लिखोगे तो इस तरीके से बनेगा दृष्टांत। अगर या टा आधा बनाओ तो, नहीं तो फिर अगर पूरा टा बना रहे हो तो ता का पूरा व्यंजन बनाओ। ठीक है, मोटर वाहन से, ये दृष्टि सिंबल होता है, यहाँ दृष्टि नहीं आया, दृष्टांत। ठीक है, दुर्घटना कारित पूरा लिखा जाएगा, करने वाला वाले मामलों में सर्वप्रथम यह इस्तकिचाप स्थापित करना आवश्यक है कि अभी के सबचिन्ह में युक्त जोड़ दो, अभियुक्त, दुर्घटना कारित करने वाले, यहाँ पे वाला का आंकड़ा लगता है ऐसे, वाले वाले, ठीक है, वाला जोड़ा जाता है, पहले स्थान पर वाला ये होता है, वाहन को चला रहा था, अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं, ये हो गया, नहीं किया गया है, ये वाक्यांश होता है, नहीं किया गया है। चश्मदीद गवाहों ने उसकी पहचान, या फिर सिंबल बनाओ, ये पहचान होता है, ये पूरा लिखा पहचान, नहीं की है। ऐसे में प्रस्ताव प्रत्यक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, दृष्टांत, ठीक है, ये आपका हस्त ऐसे लिखे हस्तगत, ठीक है, इस खिंचा बीच में हो जाती है, हस्तगत मामलों, बड़ा कर दो पर लग गया, मामलों में ऐसे लिखते हैं, मामलों को बड़ा कर दो पर लग जाता है। पूर्ण पूर्णतः चस्पा होता है, जिससे यह संदेह, ये कुछ नहीं है, संदेह से पार परसों पूरा, तो पार ये लिखेंगे, परे ऐसे कर दो, अगर ऐसे नहीं पढ़ पाते हो तो फिर ऐसे कर दो, पूरा साबित ही हो गया। नहीं होता है कि, अलग अलग लिखना है तो नहीं का सिंबल अलग, होता का सिंबल अलग, होता है कि अलग, एक इसी में जुड़ जाएगा। अभियुक्त ने तेज गति, गति तेज गति से, ये तेज गति, गति उपेक्षा पाक आंकड़ा है, वह लापरवाही से चलाकर मारकर मानव जीवन के लिए, ये वाक्यांश होता है, मानव जीवन को संकट, ये स्पष्ट संकटापित है, संकटापित तो संकट में पित्त से काट दो, किया जिसके परिणाम स्वरूप, ऐसे लिखते हैं, परिवाद, परिवादी की मृत्यु कारित हुआ हुई, अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोप, आरोपित, अपराध, धारा 279, 337, 334A, 304A, भारतीय दंड संहिता का आरोप, साक्ष्य अभाव, अभाव में संदेह से परे साबित नहीं होने से, नहीं होना एक ही सचिन होता है, दोष मुक्त किया जाता है, अभियुक्त के पूर्व, पूर्व में उपस्थित, उपस्थिति बाबत बंदोबस्त, बनिस्बत सिंबल होते हैं, प्रस्तुत जमानत, लाइन पर माँ बनाना, चा बनाना, आधा ला मुचलका, लिख के नहीं पढ़ पाते हो तो फिर चा ला के बाद पूरा का जोड़ना पड़ेगा, मुचलका, निरस्त ऐसे लिखना, ना मेरा आंकड़ा, इस अगर लिख के पढ़ पाओ तो ठीक है। कई लोग होता है क्या, आंकड़े उनके स्पष्ट नहीं बनते हैं, उनकी राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ होती है, इसलिए आप पूरा लिखो, और जिसकी राइटिंग स्पष्ट चाप लगती है तो फिर इसकी चाप लगाएं। निरस्त किया जाता है, ठीक है, प्रकरण, ठीक है, ये हो गया प्रकरण, प्रकरण में प्रस्तुत, ये लाइन काट के सुपुर्द आधा लिखते हैं, सुपुर्दगी ये होता है, ठीक है, ये मौजूदगी होता है, ठीक है, ये बरामदगी होता है, देखो ये बरामदगी
माँ आधा बनता है यहाँ पे तो दा लग जाता है, दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर बता देता हूँ। बरामदगी पहले स्थान पर बनता है, सुपुर्दगी मौजूदगी बरामदगी, एक जगह नोट कर लेना ठीक है। जमानत नामा बाद गुजरना गुजरने मियाद अपील अपील करता अपीलार्थी ठीक है, या अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार लाइन पर ठीक है। निरस्त समझा जाए प्रकरण प्रकरण में जब्त, ऐसे ही जवाब दे लिखते हैं तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो जब्त ठीक है। असल दस्ता दस्तावेज वाहन का परमिट आधा माँ बनाना है, ये बहुत छोटा सा बनता है चिन्ह परमिट, संबंधित व्यक्ति व्यक्ति वे ये सब सिंबल हैं, को ये भी सिंबल है, को लौटाए ठीक है, ये लौटाए जाएं लौटाए जाते हैं, अभियुक्त धारा 447A 37 है, सॉरी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, तो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000 रुपये का मुचलका अगर ये बनाओ, नहीं तो फिर आधा बनाओ ठीक है, पेश करने के निर्देश दिए, पेश जमानत मुचलका 6 माह की अवधि व्यतीत होने पर, या माननीय अपील, या लगाओ अपीलीय न्यायालय ठीक है, के आदेश के अध्याधीन रहते हुए स्वतः निरस्त समझा जावे, जावे में या तो जा का आंकड़ा लगा सकते हो और बिंदी लगाओगे जावे हो जाएगा। ये हमारी राय में यह खंड और खंडन, ये विखंड विखंडन ठीक है, का गलत अध्ययन होगा। धारा 162 के का सिंबल, ये पेन थोड़ा सा लूज है इसलिए लहरा जाते हैं सिंबल, पहले भाग में कहा गया है कि जांच बगल में राव ना बनाने से के दौरान हो जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस, ये पुलिस होता है, पुलिस अधिकारी लिखना है तो पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान ऐसे लिखते हैं ठीक है, का उपयोग परंतुक में उल्लिखित और लिखित उद्देश्य, ये होता है उद्देश्य के लिए ऐसे लिखते हैं, ये उद्देश्य के लिए, ये उद्देश्य से ठीक है, उद्देश्य के अलावा अगर आया तो ये उद्देश्य आप लिख रहे हो, बगल में अलावा लिख दो के अलावा हो जाता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है ठीक है। हम उद्देश्य शब्द पर जोर देते हैं, परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य ऐसे गवाह द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए पिछले बयान का उपयोग करके, ये अदालत होता है, अदालत में अभियोजन, ये हो गया अभियोजन पक्ष हो गया, के हो गया गवाह हो गया, रह रहा द्वारा हो गया ठीक। राज्य के पक्ष में
दिए गए केवल दिए साक्ष्य को बदनाम करना है। यह धारा इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कथन थोड़ा पेन आज पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है डिक्टेशन में के उपयोग को ये प्रतिबंध चाहे ऐसे लिखो या ऐसे काट के लिखो, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। ये अपने आप में अलग है, ये छोटा सा बनता है, ये प्रतीक से फिर अलग बंद जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखना है, करता है करती है, और जो एक बार लिखना है वही हमेशा अभ्यास करना है। फिर आपको दोबारा मैं बताऊंगा तो फिर दोबारा में आपको नहीं सुन देखना है उसको, जो आपकी प्रैक्टिस में है फिर वही करना है। यह नहीं कहता कि बन बनना बनाना बयान का उपयोग केवल आरोप आरोपी के अनुरोध पर किया जा सकता है। इस धारा पहले स्थान पर कि कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के प्रावधानों के भीतर तरकीब आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी, या फिर अलग अलग लिखो मानी जाएगी। ये गा से काट के जाएगा पढ़ते हैं, गा से आयोग पढ़ते हैं, मानी जाएगी, या उस अधिनियम का सिंबल होता है, ये अधिवेशन का सिंबल होता है, सन लगता है, ये बड़ा उक की धारा 27 के प्रावधानों को लागू, बगल में ला बना तो करने के लिए हो जाता है, या तो बगल में बनाई जाती है या तो ला से काटा जाता है, ठीक है। उप ये हो गया, उप धारा चाहे ऐसे लिखो या उप लिख के, ठीक है, बगल में ही धारा लिख दो, उप धारा हो जाता है। में निर्दिष्ट कथन में किसी आदाता या कांकड़ा या पर स्थिति को बताने में ऐसे लिखते हैं, इस सदन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चूक में ऊ की मात्रा लगेगी। विरोधाभास देखो, विरोध विभाग सर्वथा विधायक का सब चिन्ह होता है, लेकिन विरोधाभास अगर आप ऐसे लिखते हो तो हो सकता है ना पढ़ पाओ, तो जब ना पढ़ पाओ तो वह आंकड़ा लगेगा, विरोधाभास फिर पूरा लिखा जाता है, ठीक। और ये विरुद्ध लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, तो ये विरोधाभास इनमें से कोई एक लिखना है। खे समान हो सकता है सकती है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ये वाक्यांश होता है, ये रह रहा होता है, द्वारा होता है, और ये रखा होता है, तो ये रखता होता है, ये रखते हुए होता है। सार्थक संस्था स्थित स्थिति, ठीक है, और अन्यथा चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये सिंबल है, ये पूरा लिखा है। प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है, ये हो गया, जैसे ऐसा प्रतीत होता है जिसमें ऐसी चूक होती है, और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में, ठीक है, विरोधाभास के बराबर है। बराबर के सिंबल के लिए बराबर का सिंबल यूज किया जाता है, बराबर का जो चिन्ह होता है ना न्यूमेरिकल में, बराबर इक्वल का, वही साइन यूज किया जाता है बराबर में, ठीक है। इस डिक्टेशन को प्रैक्टिस कीजिएगा 25 बार, फिर इसका दोबारा से कम से कम 5 से 6 बार, कुछ दिनों का अंतराल करके 5 से 6 बार प्रयोग कीजिएगा। लीगल की डिक्टेशन जितनी भी आप लिखें, हर डिक्टेशन का 5-5 दिन करके अंतराल करते रहें, ठीक है। ज़्यादा डिक्टेशन नहीं, जो शब्द आते हैं उन्हीं को अच्छे से अभ्यास करो, ठीक है, और जिन शब्दों पर बार बार पेंसिल फंसे उनको अलग से 3-3, 4-4 लाइनें भरो, जब तक भरो, और ध्यान से भरो, नहीं कि केवल केवल लिखते जा रहे हो वहाँ से और ध्यान और कहीं है, समझते हुए
क्या बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर डिक्टेशन लिखो। डिक्टेशन लिखने के बाद पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर टेस्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी, लिख के अपना पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए लिखने के बाद हर बार डिक्टेशन को 1 से 2 बार पढ़ना होता है। 2 बार पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, अपना लिखा हुआ बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगोगे। अगर 1 बार लिखोगे, कई बार कंजूसी करते हैं लोग, 10 बार लिख के 2 बार पढ़ते हैं, तो ये सबसे गलत तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, ये तरीका सही नहीं है। जितनी बार लिखें कम से कम उतनी बार तो पढ़ो। मैं तो शुरुआती तौर बिगनर स्टूडेंट के लिए कहता हूँ कि 1 बार लिख के 3 बार पढ़ो, ठीक है भैया? क्योंकि जितने शब्दों पे आप मेहनत करते जाओ, उन पे आपको दोबारा के लिए उस पे मेहनत ना बाकी रखो कि 10% अभी कर ले रहे हैं, 90% बाद में इंस्टॉलमेंट में करेंगे, फिर वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, इतना ही समझो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।